दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जिसका साम्राज्य भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक ऐसी कंपनी जो एक छोटे से सुई से लेकर बड़े हवाई जहाज तक बनाती है। इसका वैल्यूएशन आज मिलियंस में नहीं, बिलियंस में भी नहीं बल्कि पूरे ट्रिलियंस में किया जाता है। भारत की एक ऐसी कंपनी जिसके कारण आज हवाई सफर करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा कंपनी की। दोस्तों, टाटा का ये इतिहास आज से 152 साल पहले सन 1868 में शुरू हुआ था, क्योंकि उसी शहर में सर जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। अब अगर हम जमशेदजी टाटा की बात करें तो उनका जन्म सन 1839 में गुजरात के नवसारी में हुआ था। 14 साल गुजरात में बिताने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए थे। इसी शहर में उन्होंने अपने ग्रेजुएशन पूरी की और अपने पिता के साथ काम करने लगे। दोस्तों, जमशेदजी टाटा खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे। हालांकि उस समय अंग्रेजों की राज की वजह से खुद का बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन जमशेदजी के इरादे काफी मजबूत थे। आखिरकार जमशेदजी टाटा ने सन 1868 में 21,000 की पूंजी के साथ एक कॉटन कंपनी की शुरुआत की और यहीं से टाटा कंपनी की नींव पड़ी। जमशेदजी की उम्र उस समय सिर्फ 29 साल थी और उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत नागपुर शहर में एक कॉटन मिल बनाकर की थी। वो शुरुआत से ही क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में विश्वास रखते थे और कॉटन के बिजनेस को समझने के लिए वो कई बार इंग्लैंड भी गए। जमशेदजी ने अपने कॉटन मिल को बहुत ही अच्छी तरह से चलाया और साथ ही साथ आगे की प्लानिंग भी कर दी। असल में जमशेदजी का सपना एक स्टील कंपनी खोलना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाना और भारत में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना था, क्योंकि जमशेदजी भारत को एक सशक्त देश बनाना चाहते थे और वो तभी संभव हो सकता था जब भारत में शिक्षा का लेवल सुधरेगा। जमशेदजी ने इन तीनों ही लक्ष्य को हासिल करने में अपना काम शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात तो ये थी कि अपने वो पूरे जीवन में इन तीनों में से एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। एक बार जमशेदजी को इंडियंस होने की वजह से एक 5-स्टार होटल में जाने से रोक दिया गया और तभी उन्होंने ये सोच लिया था कि एक ऐसा 5-स्टार होटल बनाएंगे जिसके अंदर सभी भारतीय लोगों को जाने की आजादी होगी, और तभी उन्होंने भारत का मशहूर ताज होटल को बनवाया था। असल में जमशेदजी खुद से ज्यादा भारत और भारत के लोगों के बारे में सोचते थे और यही सिख उन्होंने अपने बेटे दोराबजी को भी दी थी। साल 1904 में जमशेदजी के निधन के बाद जब कारोबार की जिम्मेदारी दोराबजी पे आई तो उन्होंने न सिर्फ अपने पिता के आदर्श पर चलते हुए सभी प्रोजेक्ट को पूरा किया बल्कि उन्हें एक नई ऊंचाइयों पर लेके गए। दोराबजी ने अपने पिता का सपना पूरा करते हुए साक्ची नाम के गांव में अपना स्टील प्लांट लगवाया। साल 1938 में दोराबजी के बाद टाटा सन्स की बागडोर जीआरडी टाटा के हाथों में आ गई। जीआरडी टाटा एक जबरदस्त बिजनेसमैन थे और वे बहुत तेजी से नई कंपनियां और नए बिजनेस शुरू करते थे। जिस समय जीआरडी टाटा कंपनी के चेयरमैन बने उस समय टाटा ग्रुप के कुल 14 कंपनियां हुआ करती थी। दोस्तों, जीआरडी टाटा ने ही भारत की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी, जिसको आज हम सब एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा टाटा ग्रुप के कुछ मशहूर कंपनियां जैसे टाटा केमिकल्स, टाटा टी, टाटा मोटर्स और टाटा टीसीएस की शुरुआत जीआरडी टाटा ने ही की थी। सन 1991 में जब जेआरडी टाटा ने कंपनी का चेयरमैन पद छोड़ा था तो कंपनी की संख्या 74 से 95 पहुंच गई थी। जमशेदजी और दोराबजी की तरह ही जेआरडी टाटा ने भी खुद से पहले भारत और भारतीय लोगों के बारे में सोचते थे और इसीलिए वह टाटा के सोशल वर्क को एक कदम और आगे लेके गए। दोस्तों, जेआरडी टाटा के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रतन टाटा और रतन टाटा के चेयरमैन बनने के बाद टाटा की सभी बिजनेसेस और कंपनियां और भी नए नए ऊंचाई पर पहुंचती गई। अब टाटा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में राज करती है। अगर हम आज की बात करें तो टाटा ग्रुप की आज 130 से भी ज्यादा कंपनीज है। भारत के साथ साथ टाटा का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ है।